नमस्कार, टीटीएन न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। जालौन के विकास खंड कुछोत के ग्राम पंचायत छानी अहिर में आयोजित श्रीमद भागवत कथा कार्यक्रम के दो दिन रविवार को भव्य विशाल कलश यात्रा निकाली गई। प्रथम दिन श्री भागवत कथा व्यास जी के श्री आचार्य श्रद्धेय जगन मोहन त्रिपाठी जी महाराज अपने मुखारविंद से सैकड़ों उपस्थित श्रोताओं को संगीतमय कथा का स्पान कराया। श्रीमद भागवत का जो साप्ताहिक यज्ञ हो रहा है अभी ज्ञानित हो, इसका क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो ग्राम छानी में श्रीमद भागवत महापुराण का जो आयोजन है, एक ज्ञानवर्धक है और ये भक्तिमय है। इसमें ज्ञान, वैराग और भक्ति तीनों ही प्रधान हैं। ज्ञान होगा तो वैराग होगा, वैराग होगी तो भगवान की भक्ति होगी और जब भक्ति होगी तो प्रेम से प्रगट हो मैं जाना। प्रेम से भगवान प्रगट होता है और भगवान का नाम कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। इस भवसागर से पार जाने के लिए भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान बहुत जरूरी है। ये जो मानव जीवन है बड़े बड़े भाग से प्राप्त हुआ है, इस मानव जीवन में भगवान की भक्ति हो जाए तो हमारा जीवन दिव्य हो जाए और धन हो जाए। जय जय श्री राधे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बाल व्यास विठल त्रिपाठी जी है। तो कलयुग में मंदिर पे जो मनुष्य जाते हैं किस भाव से जाते हैं? देखिए, मंदिर पे हम क्यों जाते हैं इसके लिए सब लोग कहते हैं, पर हम जो कहते हैं आइए हम आपको बताते हैं। देखो, मंदिर पे लोग जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर पे क्यों जाते हैं, यहीं से घर से स्मरण कर लें, भगवान का नाम ले लें। हम तो कहते हैं ले लें, पर जैसे कि उदाहरण दे के हमको हम समझाते हैं। जैसे कि हवा सब जगह तो है, हवा सब जगह है, पर हम लोग हमारी साइकिल में हवा कम हो जाती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? पंचर की दुकान पे हवा भरवाने। क्योंकि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ से हवा पकड़े और साइकिल में डाल ले, साइकिल की हवा भर जाए? तो ऐसा नहीं होता। ऐसे हमें मंदिर में इसलिए जाते हैं कि भगवान प्रेम से प्रकट हो जाए और हमें दर्शन दें, हमारी इच्छा पूर्ति करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री।